एवरीवन, सो आज मैं बताऊंगा कि ऑपरेटर मार्केट में कैसे आया है, कौन सी जगह से आया है और क्यों आया है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा। कि समझो, एग्जांपल मैं देता हूं कि समझो यहां से मार्केट है ना ऊपर जाते ही जा रहा है, ठीक है। सो ऑपरेटर ने कहां पर बाई किया है, वो कौन से जगह पर उसने एंट्री ली है, कौन सी जगह पर एग्जिट ली है, वो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो लाइव चार्ट में मैंने जो देखा है वो पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, ठीक है। सो इसमें कभी भी अगर आप सोचोगे कि 100% में अगर ये यूज़ करने लग जाऊंगा तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, नहीं, 100% कोई भी गारंटी नहीं होती है मार्केट में। कि आप 80-70% राइट समझ सकते हो कि जो भी हो रहा है वो लॉजिकली हो रहा है। अगर लॉजिकली आपको समझ आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ से सही है, ऐसा बराबर यही ऐसा ही होना चाहिए था, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो मैं आज ना चार पॉइंट्स बताऊंगा कि ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या चीज़ पे ये चार चीज़ों को है ना देख के ही मार्केट में एंट्री लेती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है पता है, कि ऑपरेटर कभी भी है ना फास्ट मोमेंटम में है ना भागती हुई कैंडल में एंट्री नहीं लेता। मतलब क्या, मैं इसको और नैरो डाउन करूँगा, ठीक है। एग्जांपल मैं देता हूँ, तो सबसे पहले मुझे इसको हटाने दो। या सो इससे मतलब क्या होता है कि समझो यहाँ पर से मार्केट है ना वन साइड मोमेंटम फास्ट छाते जा रहा है, या तो और एक भी दिखाता हूँ, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से वन साइड मोमेंटम भागते जा रहा है। तो ऑपरेटर कभी भी है ना यहाँ एंट्री कभी भी नहीं लेगा। ऑपरेटर कभी एंट्री लेता है पता है जब ही मार्केट है ना शांत हो जाता है, वो भागते हुए कैंडल्स में कभी भी एंट्री नहीं बनाता। मार्केट जब शांत हो, जब भी ऐसा मोमेंटम हो कि बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली स्ट्रांग है, तभी जाके वो अपना पैसा लगाता है। वो मुझे दिख गया है वो ऐसा क्यों होता है। देखो सबसे एक मिनट, सबसे पहले चीज़ आपको क्या समझना पड़ेगा पता है, कि ऑपरेटर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एक जोन है ना जोन, उसको ही टारगेट करते हैं। मतलब एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखना, ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ से मार्केट ऊपर आया, ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ पर ही सपोर्ट लिया मार्केट ने और वापस यहाँ से ही ऊपर गया। सो बहुत लोग सोच रहे हो कि हाँ क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, नहीं, आपको पीछे की स्टोरी भी समझनी पड़ेगी कि पीछे क्या हो रहा है मार्केट में। मुझे सब हटाने दो, यहाँ से समझाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ से ऑपरेटर ने पैसा लगाना शुरू किया होगा, या तो समझो यहाँ पर ही, ठीक है, उसने मार्केट को घुमा दिया। जब वापस मार्केट उसके लेवल पर आया, उसने वापस मार्केट में पैसे लगाए और घुमा दिया, वापस आया, वापस पैसा लगाया, घुमा दिया, वापस मार्केट उसकी जगह पर आया, घुमा दिया, वापस आया, वापस उसने मार्केट को घुमा दिया। मतलब उसके पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है, आपको समझना वो पड़ेगा। मतलब क्या, जब भी शांत मार्केट होता है ना उनकी पोजीशन कहाँ बनती है पता है, जब भी शांत मार्केट होता है ये जगह पे शांत, देखो यहाँ पर ये साइडवेज है, कभी भी वो ये वाली ऐसे एंट्री नहीं लेता कि यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है भागते हुए कैंडल में नहीं लेगा। जब भी मार्केट एक मोमेंटम दे दिया समझो यहाँ पर ऊपर और फिर यहाँ पर रुक रहा है, तभी वो क्या करेगा पता है, सेलिंग की ट्रेड बनाएगा या तो बाइंग की ट्रेड बनाएगा और फिर मार्केट को नीचे लाएगा। कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा कि मार्केट यहाँ से भाग रहा है और उसकी पोजीशन भी ऐड होती जा रही है। ऑपरेटर वैसे काम नहीं करते क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो उनको मैनेज करते हुए ही काम करना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पर देखोगे, और एक पॉइंट क्या है, ऑपरेटर है ना वो जब भी पोजीशन बनाते हैं ना तो वो कभी भी वो प्राइस के आसपास है ना वापस प्राइस को आने के लिए नहीं आने देते। मतलब एग्जांपल समझा रहा हूँ, अगर समझो यहाँ पर ऑपरेटर ने पोजीशन बनाया और मार्केट यहाँ से घूम गया, तो मार्केट डायरेक्टली इधर कभी नहीं आ पाएगा। या तो मार्केट है ना आके यहाँ आएगा, या तो थोड़ा यहाँ पर नीचे आएगा, पर कभी भी जहाँ पर उसने बाई किया है ना वो लेवल के आसपास कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि वो आ गया ना तो वहाँ पर क्या हो सकता है पता है, कोई दूसरा ऑपरेटर आके बड़ा पैसा लगाएगा ना तो उसका स्टॉप लॉस, ये ऑपरेटर का स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि कभी भी मार्केट ऊपर जाए तो वो ट्राई करेगा कि ये लेवल के आसपास ना आने दे, और अगर यहाँ पर आग भी गया है ना तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर और एक ऑपरेटर बैठ गया है जो मेरा स्टॉप लॉस खाने आ गया है। तो वो क्या करेगा पता है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, वो कभी भी लॉस नहीं करेगा, और वो उसने किया भी ना तो हल्के फुल्के लॉस में निकल जाएगा, वो बड़े लॉस कभी भी नहीं लेके निकलेगा। तो इससे पता क्या चलता है कि जो ऑपरेटर होता है ना जब भी साइडवेज मार्केट में पोजीशन बनाता है तो वो एक चीज़ क्या करता है, जहाँ से एंट्री हुआ है यहाँ से मोमेंटम हुआ है तो आपने सोचा कि यहाँ पर है ऑपरेटर, यहाँ पर ऑपरेटर आया है, यहाँ पर रिटेलर्स एंट्री करते हैं। ऑपरेटर ने कहा मोमेंटम पकड़ा है पता है, ये लेवल पे उसकी पोजीशन ऐड हो गई है, फिर यहाँ पर क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को ऐड करते जाएगा,
ऐड करते जाएगा, यहाँ पर भी ऐड करते जाएगा, ठीक है, ऐड करते जाएगा। पर वो बेचेगा कभी, पता है, जब भी पूरा सेंटिमेंट सबको क्या लगेगा कि यहाँ से तो यार मार्केट घूम ही रहा है, तो यहाँ पर तो उसने बहुत अच्छा पैसा बना लिया है, यहाँ से ऊपर करते गया, जब भी वापस ये रेंज पे आएगा लोगों को क्या लगने लगेगा कि यहाँ से तो यार मार्केट घूमता ही आ रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब जैसे वो बाई करना शुरू करेंगे उनको मार्केट फंसा देगा, यहाँ पर क्या हो गया, साइडवेज हो गया। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से फास्ट मोमेंटम हो, पर फास्ट मोमेंटम नहीं हुआ, ये साइडवेज हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी ऑप्शन बाई करते वो तो लॉस करने ही वाले, और दूसरा जो ऑप्शन सेल किए वो कॉस्ट टू कॉस्ट में होगा, तो कल क्या होगा, गैप डाउन होगा, मार्केट ओपन होगा, तो जिसने भी बाई किया है उनको डरा के मार्केट क्या करेगा, उनको पोजीशन एग्जिट करवा देगा और वापस ऊपर घूमेगा, ठीक है। तो ऑपरेटर के पास क्या पावर था कि वो एक जोन को आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है। सो जो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि ऑपरेटर कभी भी फास्ट कैंडल्स में ना मोमेंटम नहीं लेता, जो भागते हुए कैंडल्स में मोमेंटम नहीं लेता, जब साइडवेज होगा फिर जब वहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली स्ट्रांग हो गए तो वो क्या करेगा, ऑपोजिट साइड ट्रेड लेगा। मतलब क्या, बायर्स 100 हो गए सेलर्स 60 हो गए ना, तो वो क्या करेगा, सेलिंग साइड जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, कोई भी एक मार्केट है ना ये एक स्ट्रांग रेंज में रह जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पर कलेक्शन होने देना पड़ेगा कि बायर्स ज़्यादा पैसा लगाने चाहिए, सेलर्स पैसा लगाने चाहिए, तो उनको मार्केट में दिखता है कि किसने पैसा ज़्यादा लगाया है। जैसे उसको लगा कि बायर्स बढ़ गए, वो क्या करेगा, सीधा जाके सेल करना शुरू कर देगा और उनका स्टॉप लॉस लेगा, वो एग्जिट करेगा, फिर वापस मार्केट में रिटेलर्स आएंगे, बायर सेलिंग करेंगे, वापस समझो अगर बायर्स बढ़ गए वापस सेलिंग करेगा, सेलर्स बढ़ गए वापस बाई करके उनका स्टॉप लॉस लेगा। तो ऑपरेटर का काम क्या होता है पता है, छोटे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करना। तो पहला पॉइंट तो समझ गए कि फास्ट मोमेंटम में कभी एंट्री ले देनी है। सेकेंड पॉइंट क्या है पता है, जब भी साइडवेज मार्केट होता है ना तो आपको समझना पड़ेगा, अभी ये देखना, ये मार्केट है साइडवेज। साइडवेज मतलब क्या, एक ही जोन है या तो एक ही रेंज में है ना मार्केट है। तो यहाँ पर क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ऑपरेटर कहाँ आया होगा, ऑपरेटर यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, नहीं, यहाँ ऑपरेटर आया ही नहीं है। मतलब क्या, सिंपल चीज़ अगर मैं समझाता हूँ, ये हाई है, ये लो है, लो ब्रेक करने की कोशिश की है, पर ऑपरेटर क्या करता है पता है, छोटा पैसा लगा देता है और ये इसको ब्रेक नहीं होने देता है। अगर ब्रेक हो गया तो उसको वापस पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा या तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो उसके पास तो बहुत पैसा होता है, तो वापस घुमा देता है, तो वापस क्या होता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है, बायर सेलर बायर सेलर। अभी आपको समझना पड़ेगा, ये दिन पूरा साइडवेज था, तो यहाँ पर गैप डाउन होकर ही ऊपर क्यों गया मार्केट। अभी ये मार्केट अब मैंने इसको, आपको अगर कैंडलस्टिक की नॉलेज हो, प्राइस एक्शन की नॉलेज हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन आया होगा। यहाँ पर ओपन हुआ, ओपनिंग यहाँ हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, तो यहाँ पर रिजेक्शन आया होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गए सेलर्स धीरे धीरे आना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी अगर देखोगे, देखो ये इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है, ठीक है। सो इससे क्या होगा पता है, सेलर्स अट्रैक्ट होते गए होंगे, सेलर्स यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी सारी इन्वर्टेड हैमर्स है, ये यहाँ पर सेलर्स आए होंगे, वो क्या सोचे कि इसका स्टॉप लॉस रख दूंगा मैं, इसका स्टॉप लॉस रख दूंगा, ये स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रख दूंगा मैं, तो सेलर्स मार्केट में कंप्लीटली आ गए, वो तो पता चल गया। और दूसरा पॉइंट क्या, जहाँ ओपनिंग हुआ था ना उससे नीचे ओपनिंग हुआ है, मतलब उससे नीचे क्लोजिंग हुआ है, मतलब क्या कि ऑलरेडी सेलर्स डोमिनेटिंग है, बायर्स हो गए पर इतने नहीं हो गए जितने सेलर्स हैं। सो क्या होता है, मार्केट खुलता है गैप डाउन खुलता है, तो ये जिसने भी यहाँ पर एंडिंग में भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी है ना सेलर्स आते हैं, वो बैठ गए होगी, अरे यार बहुत अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है, ये थोड़ा रिटेस्ट करेगा और फिर वापस नीचे ही जाने वाला है, वो पक्का है। ये सेलर है ना ये सोच रहा होगा, ये सेलर तो अच्छे प्रॉफिट में होगा तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेलर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस तो बोलेगा अच्छा वो गैप डाउन में मेरे फेवर में खुला है। फिर मार्केट जैसे नीचे खुलता है और यहाँ से रिवर्स होता है, तो यहाँ पर क्या होता है पता है, ये करते हैं एवरेजिंग, मतलब इनके प्राइस के आसपास ही प्रीमियम आ गया होता है, वो और एवरेज करते हैं कि और सेल करते हैं, शॉर्ट करना शुरू करते हैं यहाँ से, और मार्केट कम्प्लीटली घूम के इनका स्टॉप लॉस ले लेता है, साथ में जिसने यहाँ पर किया है ना उनका भी ले लेता है, तो जिसका सबका जिसने भी यहाँ पर सेल किया था उनका स्टॉप लॉस ले लिया। अभी मार्केट में समझो यहाँ से घूम क्यों गया, ऊपर कोई स्टॉप लॉस बचे ही नहीं है, तो मार्केट ऊपर और जाके क्या करेगा, तो यहाँ पर जिसने रैंडमली बाई किया होगा ब्रेकआउट पे, या तो समझो यहाँ पर ये सब पैटर्न बन के हुए ट्रायंगल पैटर्न पे, तो यहाँ पर बायर 100% आए होंगे, तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, उन मार्केट में पूरा ऑपरेटर ने वापस पैसा लगाया और मार्केट को घुमा दिया। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, जब भी जो फर्स्ट रूल क्या था, भागते हुए कैंडल में वो एंट्री नहीं करते, सेकेंड रूल क्या था, जब भी साइडवेज मार्केट होता है ना वो क्या करते, या तो गैप अप करेंगे ना,
तो मार्केट को घुमा देंगे, या तो गैप डाउन करेंगे ना तो मार्केट को नीचे से घुमा देंगे। ये तो कम्प्लीटली होने वाला है। साइडवेज हुआ होता है ना, तो साइडवेज में क्या होता है पता है, वो थोड़ी देर और ना मतलब और मार्केट में ना वेट करता है कि और बायर सेलर थोड़े आ जाए, और फिर एक साइड ही क्या होगा, यहाँ पर ऐसा मोमेंटम आएगा और एक साइड ही मोमेंटम ऊपर शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंगल कैंडल 200-300 पॉइंट की बन जाती है, तो तभी वो होता है। तो ये अभी का डेटा नहीं है, हर बार जब भी साइडवेज होगा तब आप देखने का, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हुआ, वेट एक मिनट बताता हूँ। यहाँ ये साइडवेज था कम्प्लीटली, या कैंडल बनी, ये नीचे आया, ठीक है, इसने यहाँ पर देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, यहाँ पर लोगों ने बाई किया होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, कम्प्लीटली बायर्स ही बैठे हो गए, सेलर्स नहीं हो गए। क्योंकि देखो यहाँ पर कैंडल्स देखो, ये ब्रेकआउट की कैंडल बनी है, तो लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ हो गए पता है, ये स्विंग लो, ये जिसने भी डब्ल्यू पैटर्न पे बाई किया होगा, फिर यहाँ पर से वापस रिजेक्शन आया, ठीक है, और यहाँ से ये चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो ये चार्ट में क्या है, जहाँ ओपन हुआ है वहीं क्लोज हुआ है, ठीक है, और देखोगे तो बायर्स के जो पैटर्न्स है ना वो बन के क्लोज हुआ है, तो ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट हुए। तो जैसे बायर्स अट्रैक्ट हुए वैसे ही ये पहली कैंडल में है ना ऑपरेटर ने पैसा लगाना शुरू कर दिया होगा, मैक्सिमम उनका पैसा है ना लगाना शुरू कर देते वो, तो ये पैनिक में ये तो है ना सेल करना शुरू करते ये जिसने बाई किया है। फिर क्या होता है, मार्केट थोड़ा रिटेस्ट होता है, क्यों, क्योंकि जिसने रैंडमली बाई किया है सेल किया है ना उसको निकालने के लिए, तो वो निकल जाते हैं, फिर मार्केट को वापस घुमा देते हैं, वापस घुमा देते साइडवेज होने देंगे, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसने यहाँ सेल नहीं किया है ना वो क्या करना, वो क्या शुरू करेगा, यहाँ सेल करना शुरू करेगा कि यहाँ देखो ये ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट को क्या करेगी वो वापस घुमा देंगे, यहाँ पर इतना ऊपर लेके गए, मतलब जिसने यहाँ पर सेल भी किया होगा वो निकल जाएगा, वो सोचेगा कि यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, तो आप बोलोगे अरे यहाँ से तो गिरा है तो वो रुकेगा नहीं, ये हैमर बनी है, तो वो हैमर बनते ही देखो यहाँ पर उसको समझो एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर उसने अगर पोजीशन बनाई होगी कहाँ पर आसपास, तो उसको है ना मार्केट क्लोज हुआ, तो उसको समझो उसने पुट बाई किया है, तो उसको 10,000 का लॉस दिख रहा होगा, पर मार्केट जैसे ही ओपन हुआ कल और ये हैमर बन रही होगी ना, उसको सीधा 20-30,000 का लॉस दिखना, 40,000-50,000 भी जा सकता है प्रीमियम की वजह से, तो वो क्या करेगा, वो रैंडमली बेचना शुरू कर देगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि ये हैमर भी है और वो कन्फर्म भी हो गया कि नहीं मैं रॉन्ग होने वाला हूँ, मार्केट ऊपर जाने वाला है। वो जैसे एग्जिट करता है तो मैंने क्या बताया, यहाँ तो ऑपरेटर्स बैठा ही है, वो क्या करेगा, वापस पैसा लगाएगा, वापस मार्केट को घुमा देगा, मार्केट को घुमा दिया कम्प्लीटली। तो और एक चीज़ क्या पता चली आपने, आपको यहाँ से जब भी साइडवेज मार्केट होता है उसके नेक्स्ट डे ऑपरेटर काम करना शुरू करता है, समझ रहे हो, ये जो साइडवेज मार्केट है इसमें रिटेलर्स ही भरे होते हैं, नेक्स्ट डे वो अपना पैसा लगाना शुरू करेगा। तो पॉइंट वन क्या था कि सबसे पहले वो क्या करेगा, जो अपना कोई भी मोमेंटम फास्ट मोमेंटम वाली जो कैंडल्स होती है ना उसमें एंट्री नहीं बनाएगा, कि समझ रहे हो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर समझो ब्रेकआउट हो रहा है तो एंट्री बनाएगा, वो ऐसे नहीं एंट्री बनाता, वो धीरे धीरे जहाँ पर मोमेंटम होता है ना यहाँ यहाँ ये सब एरियाज पे मोमेंटम पे एंट्री बनाता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि वो क्या करता है, वो अगर कहाँ पर भी उसने अगर एंट्री ली होती है, समझ रहे हो कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट है, तो वहाँ पर वो एंट्री नहीं करता, वो कभी एंट्री करता है पता है, जब भी वो देखता है कि साइडवेज मार्केट में बायर्स ज़्यादा है, ठीक है, तभी वो सेल करके जाता है, या तो क्या करेगा सुबह उठते ही सेलिंग करना शुरू कर देता है, तो वो साइडवेज मार्केट को भी पहचानता है। तीसरा पॉइंट क्या है पता है, जो जो जगह से वो बाई करता है ना वो जगह कभी भी वापस आने नहीं देता है, ठीक है, ये तो मैंने पहले पॉइंट में बता दिया, पर ये तीसरा पॉइंट यही था, मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया, पर मैं बताता हूँ, अगर उसने यहाँ पर सेल किया है ना तो कभी भी अपने आसपास भी प्राइस को वापस नहीं आने देगा, क्योंकि अगर वो वापस आ गया और गलती से कोई ऑपरेटर ने देख लिया कि अच्छा यहाँ पर भी ऑपरेटर बैठा है और उसने नीचे आया और उसने पैसा लगाना शुरू किया, इनको लॉस हो जाए, इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कभी भी अपने अपने जहाँ से उसने एंट्री किया ना वो प्राइस को आसपास आने ही नहीं देगा, अगर यहाँ आ भी रहा है वो पैसा वापस लगाएगा, आ भी रहा है वापस पैसा लगाएगा, समझ रहे हो, तो ऐसे करके वो आ भी रहा है वापस पैसा लगाएगा, आ भी रहा है वापस पैसा लगाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने जोन होता है ना उसको बहुत सेफ रखेगा, तभी जाके वो एक मार्केट में डायरेक्शन दे पाएगा। सो पहला पॉइंट भी समझ गया, तीसरा पॉइंट भी समझ गया मैं, सेकेंड पॉइंट भी और थर्ड पॉइंट भी। फोर्थ पॉइंट क्या है पता है, अभी समझना ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे, मतलब क्या है, फर्स्ट डे को भी सेलिंग आ रही है, सेकेंड डे को भी सेलिंग आ रही है, थर्ड डे पे भी सेलिंग आ रही है, ठीक है, तो तीन दिन लगातार सेलिंग आई है ना, तो मैंने क्या बताया एसएल हंटिंग में अगर कोई चैनल जैसे जो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो फेलियर ही होने वाला है, क्योंकि सबको पता है यहाँ से बाई करना है। तो एसएल हंटिंग कैसे चलता है कि अगर समझो एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है
तो तुम्हें ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है, तुम्हें सेल करना है। अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो सेल नहीं, तुम्हें बाय करना है, ठीक है। तो यही ऐसे लेंडिंग है और क्या ही हो सकता है, ठीक है, और कुछ तो नया है ही नहीं। पर जब भी मार्केट बैरिश हो, हाँ, और तभी मार्केट में समझो डब्ल्यू पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है, एक ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, ये सब बनेगी ना, ये काम करने वाली है। मतलब क्या, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ पर भी सेलिंग आया, यहाँ पर भी मार्केट में सेलिंग आया, तो जिसने भी यहाँ पर है ना बाय किया होगा ना, वो थक गए होंगे मार्केट में कि यार यहाँ मार्केट घूमते जा रहा है। पर जब थर्ड डे मार्केट है ना बाइंग सेटअप बनाएगा ना, वो क्या ढूंढने लग जाएगा, पता है, रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा भी ना, वो बाय नहीं करेगी, वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। जैसे सेल करेंगे उनका मार्केट स्टॉप लॉस लेगा, जैसे ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ वो नीचे गिरेगा नहीं, वो और ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड होता है ना, वो समझना पड़ेगा। मार्केट ने लगातार सेलिंग किया, समझ रहे हो, एग्जांपल बताऊंगा तो चार्ट में बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग ही सेलिंग होता गया। सो अभी यहाँ पर समझना, यहाँ पर है ना मार्केट आया भी ना नीचे, ठीक है, यहाँ पर इतनी फास्ट में ना रिटेलर्स भी ट्रेड नहीं कर पाते। ये कैसे होती है पता है, जिसने यहाँ पर बाई किया होता है ना, वो रैंडमली सेल करना मार्केट प्राइस पे सेल करते, ये फास्ट कैंडल में रिटेलर्स नहीं एंट्री बना पाते थे, तो वो क्या कोशिश करते पता है, यहाँ बनाने की कोशिश करते कि मार्केट और गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं गिरता। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे आया, ऊपर आया, थोड़ा नीचे आया, तो ये हायर हाई बना रहा है, तो हायर हाई बनाएगा ना तो मार्केट में लोग क्या करेंगे पता है, सेलिंग करना शुरू करेंगे कि नहीं नहीं मार्केट अभी गिरने वाला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो, ये ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया तो ये रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, उल्टा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो यहाँ से गिरेगा, तो वो क्या करने वाला है, वो सेलिंग का सेटअप ढूंढने लग जाएंगे, वो बाइंग का सेटअप को टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि यार मार्केट इतना गिरा है तो ऐसा रिकवर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर है ना जिसने बाई किया उसने एग्जिट किया है, किसी ने, ऑपरेटर ने थोड़ी ना यहाँ पर पैसा लगाया है। सो यहाँ पर जो ऑपरेटर ने पैसा लगाया था, ठीक है, उसने इतना मोमेंटम आया ना, वो निकल जाता है, उसको आराम से एग्जिट करने का टाइम मिला है। देखो ये टाइम पे वो एग्जिट कर रहा होगा और लोग बाय कर रहे होंगे, ठीक है, उसने एग्जिट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर लोगों ने पुट बाय करना शुरू किया, उसने क्या किया, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखा, वापस कॉल बाय कर दिया और मार्केट को घुमा दिया, कॉल बाय करके मार्केट को घुमा दिया। तो वो क्या कर रहा है, वो दोनों साइड मज़ा कर रहा है, ऊपर से मार्केट को शॉर्ट करता है, ठीक है, और फिर वहाँ से क्या करता है, वो शॉर्ट को कवर करके बाय करता है। तो नीचे मार्केट जब नीचे जाता है तब भी पैसा बनाएगा, और वहाँ से ऊपर जाता है तब भी बनाएगा। तो लोगों का माइंड कैसे ट्विस्ट करता है वो समझना पड़ेगा। कैसे समझ रहे हो, कि मैंने बताया ना, ये वाला बहुत सिंपल था, अगर 3 दिन मार्केट ना लगातार नीचे गिर ही रहा है तो तभी बुलिश पैटर्न सब काम करेगी, ठीक है, तभी क्या होगा पता है, बैरिश जो पैटर्न होती है ना वो काम करना बंद हो जाएगी, वहाँ पर ऐसे लेंटिंग होगी। तो मतलब अगर समझ आपको यहाँ पर 3 दिन गिरा है तो आप क्या कर सकते हो, कि जो डब्ल्यू पैटर्न है वो वर्क करने वाली है, ट्राइंगल असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है वो वर्क करने वाली है, ये सब काम करने ही वाली है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग हो गया है। और ये सेलिंग है ना, अगर कोई रिटेलर नहीं पकड़ पाता है तो वो क्या करता है पता है, वो रैंडमली चार्ट में आके ये शुरू कर देता है ट्रेड करने के लिए, कि मार्केट तो अभी बैरिश ही हो गया है तो हम क्या करेंगे, हमें सेलिंग करना है। तो वो जैसा ये सोचना शुरू किए, मार्केट वहाँ से ही घूमने वाला है, ठीक है। सो आज मैंने क्या बताया, 4 पॉइंट्स क्या बताया कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं मार्केट में, मैंने ये ऑब्जर्व किया है तभी मैं बता पा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या था, कि मार्केट में अगर समझो बहुत फास्ट मोमेंटम से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तभी ऑपरेटर एंट्री नहीं करते। फास्ट मोमेंटम से जब भी मार्केट ऊपर जाता है तब ऑपरेटर एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी पोजीशंस होती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट क्या था, अगर मार्केट साइडवेज हो, ठीक है, तभी ऑपरेटर क्या काम करता है, नहीं काम करता है, कभी काम करेगा, नेक्स्ट डे काम करेगा। नेक्स्ट डे कब काम करेगा, जब भी वो देखेगा, इसको अच्छे से बना लेते मुझे, फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकेंड पॉइंट क्या था, कि साइडवेज मार्केट में जब भी मार्केट, वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा, जब भी नेक्स्ट डे वो देखेगा कि बायर्स ज़्यादा बढ़ गए तो वो क्या करेगा पता है, बायर्स के फेवर में मार्केट खोलेगा, और फिर बायर्स को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कराए, वो और बाय करेगा कि ताकि लोगों, बायर्स को लगे हाँ हम सेफ है तो और भी हम बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट पे, और वो जो जिसको बाय नहीं करना है उसको भी बाय करवाएगा, और वो क्या करेगा, वहाँ से सेल करना शुरू करेगा और बहुत ही बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ लेके आएगा। तो ये क्या थी, साइडवेज की स्टोरी थी। थर्ड पॉइंट क्या था, कि अगर ऑपरेटर एक पॉइंट पे
ऑपरेटर अगर एक पॉइंट पे ना अगर समझो यहाँ पर एंट्री करता है तो वापस वो अपना पॉइंट पे मार्केट को नहीं आने देगा। अगर वो आ रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा मार्केट को यहाँ से ही घुमा देगा, ठीक है, या तो यहाँ से घुमा देगा या तो थोड़ा नीचे यहाँ से घुमा देगा, पर जहाँ प्राइस में उसने बाई किया है वो प्राइस के आसपास मार्केट को नहीं आने देगा, क्योंकि अगर वहाँ पर आ गया तो कोई दूसरा रिटेलर भी या तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन भी जो बड़े लेवल पे काम करते हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं और जिसने यहाँ पर बाई किया है उसका स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था, जब भी कंजर्वेटिव है ना सेलिंग होती है, ठीक है, चार दिन से तभी है ना सब पैटर्न शुरू हो जाती है काम करना, जो क्लासिकल पैटर्न होती है ना डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, फिर बुलिश पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ठीक है, सब जो भी आपने पैटर्न देखी है मार्केट में वो सब काम करना शुरू हो जाएगी। अगर मार्केट चार दिन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तभी क्या होगा, तभी जितने भी रिवर्सल पैटर्न होती है ना, जैसे कि उल्टी हैमर, रिवर्सल हैमर, जो इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं वो काम करना शुरू हो जाएगी। फिर मार्केट में ना जो ब्रेकडाउन होता है वो काम करना शुरू हो जाएगा, एक लेवल को होल्ड करता है और फिर जब ये ब्रेकडाउन होता है ना तो ये कंटिन्यू करेगा, घूम नहीं जाएगा, ठीक है। तो कभी होता है जब भी मार्केट में लगातार सेलिंग आती है तीन चार दिन, तभी मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न्स, सब क्लासिकल पैटर्न्स फॉलो हो जाता है। तो ये थे चार पैटर्न्स जो मैंने समझाए, जो चार चीज़ें जो ऑपरेटर्स देखता है जब भी मार्केट में उसको एंट्री बनानी है, ठीक है। सो बहुत ईजी था, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले वो क्या करता है, जो प्राइस पे समझो कोई भी, जब भी मार्केट बहुत फास्ट भागता है तभी वो एंट्री नहीं बनाता है, जब मार्केट को स्टेबलाइज होने देता है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि अगर साइडवेज मार्केट है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट डे पोजीशन बनाना शुरू करेगा, या तो लास्ट में वो थोड़ा क्या करेगा, बायर से तो सेलिंग करके जाएगा, बायर से तो और बाय करके जाएगा ताकि उसके फेवर में मार्केट खुले और वहाँ से वो सेलिंग कर दे, ठीक है। सेलर से तो और सेल करके जाएगा ताकि मार्केट में नीचे खुले और सेलर से अट्रैक्ट हो और वहाँ से वो बाय करके मार्केट को ऊपर से घुमा दे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर मार्केट समझो, फोर्थ पॉइंट बताता हूँ, थर्ड पॉइंट में क्या था कि अगर मार्केट समझो एक पॉइंट से यहाँ से घुमा है तो वापस अगर ये पॉइंट में उसके आया उसके आसपास तो वो काम नहीं करेगा, वो ऑपरेटर का मोमेंटम नहीं हुआ। ऑपरेटर का मोमेंटम क्या, यहाँ से अगर उसने मोमेंटम करवाया है तो यहाँ से ही वो घुमा देगा मार्केट को, अपने जहाँ से उसने बाई किया है वो प्राइस को आने मार्केट में नहीं देगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट ये था अगर लगातार चार दिन सेलिंग आ रही है या तो लगातार चार दिन बाइंग आ रही है तभी क्या होगा, तभी आपको एसएल हंटिंग के तरह नहीं सोचना है, आपको सोचना है अगर चार दिन आया है तो डब्ल्यू पैटर्न्स, जो क्लासिकल पैटर्न्स है ना वो आपको आनी चाहिए। आप डायरेक्टली एसएल हंटिंग में नहीं घुस सकते, आपको जब पैटर्न समझेगा ही नहीं, आपको मार्केट में ना कोई पैटर्न समझेगा ही नहीं कि इसको बुलिश पैटर्न बोलते हैं, इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिटेलर्स कैसे पोजीशन बना सकते हैं, क्या दिख के पोजीशन बना सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर आप सोचोगे कि यार रिटेलर्स तो मेनली फॉलो करते हैं डब्ल्यू पैटर्न्स ये सब, तो जब सेलिंग होगा इतना लगा था तो तभी वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाय कर करके थक गए होंगे, फिर जैसे उनको मार्केट यहाँ से घूमना शुरू होगा तो उनको क्या लगेगा कि या तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट यहाँ से घूमने ही वाला है, पर घूमेगा नहीं, वो और घूमता जाएगा और पूरा उनका लॉस करवा देगा मार्केट। सो ये थे चार पॉइंट्स जो ऑपरेटर है ना देखता है कभी भी जब भी उनको रिटेलर्स का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट, दैट्स फॉर इट।